गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सी प्लस प्लस पढ़ने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास जब भी डिजाइन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड से करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्लास ए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो क्लास को जब भी डिजाइन करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन जरूर देंगे। ठीक है, आप इस बात को नहीं भूलेंगे, सेमी कॉलन जो है आपको जरूरी है देना। ठीक है, जावा में हम लोग सेमी कॉलन नहीं लिखते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस के क्लास में जब भी डिफाइन करते हैं हम लोग तो सेमी कॉलन जो है हम लोग निश्चित ही देते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि क्लास जो है इसके इनसाइड जो है हम लोग डेटा और मेथड दोनों रख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने अपने वीडियो ट्यूटोरियल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ाया है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डेटा को प्राइवेट में रखने से और मेथड को पब्लिक में रखने से एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। तो मेथड जो है, एक मेथड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जो कि पब्लिक पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, और हम सपोज कर रहे हैं कि ये मेथड जो है इसका नाम है सो मेथड। सो मेथड के हेल्प से हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं हेलो इंडिया। और यहां देखिए सो मेथड जो है इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन किए हैं और सो मेथड को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किए हैं। अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि सो मेथड जो है ये स्मॉल मेथड है और इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन जो है हम लोग दिए हुए हैं, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो हेलो इंडिया है। और यहां देखिए मेन फंक्शन में ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। सी प्लस प्लस में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो यहां पे लिखा जा रहा है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ए। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं कि सो मेथड यानी जो पब्लिक पार्ट में रखा हुआ है उस सो मेथड को हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं ओबीजे डॉट सो मेथड। और हमें यह पता है कि पब्लिक मेथड जो है इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर हमें आउटपुट मिल चुका है हेलो इंडिया। ठीक है, तो यहां से हमें यह बात समझ में आ रहा है कि वी कैन डिफाइन ए मेथड इनसाइड द क्लास। अब यहां पर एक बात को समझना है कि इन विच केस वी हैव टू डिफाइन एंड वी नीड टू डिफाइन मेथड आउटसाइड द क्लास। सी प्लस प्लस में अगर हम लोग किसी मेथड को क्लास के इनसाइड डिफाइन करते हैं तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर जो है उस मेथड को इनलाइन मेथड ट्रीट करता है। और इनलाइन मेथड का ड्रॉबैक्स है कि इनलाइन मेथड डज नॉट कंटेन लूपिंग स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इनलाइन मेथड जो है वो स्मॉल मेथड होता है। जब भी इनलाइन मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके इनसाइड जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट हम लोग नहीं देते हैं। अगर फंक्शन जो है अगर स्मॉल है या छोटा है तभी हम लोग उस फंक्शन को या उस मेथड को इनलाइन मेथड हम लोग बनाते हैं। और सी प्लस प्लस में क्लास के इनसाइड हम लोग अगर मेथड को डिफाइन करते हैं तो वो मेथड जो है कंपाइलर ट्रीट करता है इनलाइन, और इसके इनसाइड जो है हम लोग लूप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है कि मेथड जो है ये लूप स्टेटमेंट या वाइल स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट कंटेन किया है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू डिफाइन मेथड आउटसाइड द क्लास। तो मेथड को जब भी हम लोग आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे तो हमें किस बात पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्लास ए जो बनाया गया है इसमें पब्लिक एरिया में यानी पब्लिक पार्ट में सो नाम का मेथड का प्रोटोटाइप रखा गया है, यानी कि क्लास के इनसाइड जो है इस मेथड का केवल सिग्नेचर है या प्रोटोटाइप है। इसका डिफिनेशन हम लोग क्लास के आउटसाइड देंगे, और जब भी क्लास के आउटसाइड देंगे तो हम लोग किस तरह से देंगे इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास का नेम, सेकेंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन मेथड नेम। यानी कि हम लोग ये बता रहे हैं कि ये सो नाम का मेथड जो है ये मेंबर मेथड है एंड ये किस क्लास का है, तो ये जो है ए क्लास का है। और यहां पर देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है ये इस बात को बता रहा है कि ये जो है सो मेथड ये ए क्लास का मेंबर है, इसीलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं मेंबर बाइंडिंग ऑपरेटर। यहां पर तो हम लोग ये बात को लिख दिए हैं कि सो नाम का मेथड जो है ये मेंबर है, ये किस क्लास का मेंबर है, तो ए क्लास का मेंबर है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे रिटर्न टाइप जो कि ये वॉइड है। अब यहां पर हम लोग इसके डिफिनेशन को दे सकते हैं।
डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं फॉर लूप आई इक्वल टू वन, आई इज लेसर देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, सी आउट, हेलो इंडिया। तो सो नाम के मेथड को हम लोग आउटसाइड डिफाइन किए हैं। यहां पर फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वी कैन डिफाइन ए मेथड आउटसाइड द क्लास। जब भी आउटसाइड क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्लास के इनसाइड जो है मेथड का हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर लिख के छोड़ देते हैं, इसका डेफिनेशन आउटसाइड देते हैं। और जब भी आउटसाइड देते हैं तो आउटसाइड किस तरह से देते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेथड का नाम और ये किस क्लास का मेथड है या ये किस क्लास का मेंबर है। तो ये ए क्लास का मेंबर है। यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम लोग बाइंड करते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग देखिए यहाँ पर डबल कॉलन जो है, डबल कॉलन जो है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को बताता है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है ये मेंबर बाइंडिंग ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सो नाम का जो मेथड है ये ए क्लास का मेंबर है और इसका रिटर्न टाइप जो है ये वॉइड है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ करेंगे। और यहाँ देखिए मेथड का डिफिनेशन है जिसके इनसाइड जो है हम लोग फोर लूप अप्लाई किए हुए हैं, और यहाँ फोर लूप जो है वो फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है हेलो इंडिया। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइव टाइम्स हेलो इंडिया प्रिंट हो चुका है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये फाइव टाइम्स जो है हेलो इंडिया में प्रिंट हो चुका है। तो यहां से ये बात हमें समझ में आ रहा है कि वी कैन डिफाइन ए मेथड इनसाइड द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। लेकिन इनसाइड द क्लास हम लोग कब करते हैं, जब मेथड जो है इसके इनसाइड लूपिंग स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट ये सब नहीं होता है। अगर मेथड जो है इनसाइड द क्लास हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर उस मेथड को इनलाइन मेथड ट्रीट करता है, और इनलाइन मेथड जो है ये स्मॉल मेथड होता है। इसमें हम लोग गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा है कि मेथड जो है ये बड़ा है, इसके इनसाइड लूपिंग स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट है, देन वी हैव टू डिफाइन द मेथड आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास हम लोग किस तरह से लिखते हैं इसे हम लोग समझ चुके हैं। अगर सो नाम का मेथड जो है इसका प्रोटोटाइप इंटीजर रिटर्न करता है ये, और ये सो नाम का मेथड जो है इसको इस तरह से हम लोग क्लास के इनसाइड डिक्लेयर करते हैं, और इसे आउटसाइड अगर डिफाइन करना है हमें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सो नाम का जो मेथड है ये मेंबर मेथड है, ये किस क्लास का मेंबर है, तो ये ए क्लास का मेंबर है, और इसे हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से बाइंड करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है अब वॉइड के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा इंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर रिटर्न टाइप में वॉइड के जगह हमें लिखना पड़ेगा इंट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंट, तो यहां पर रिटर्न टाइप में इंट लिखेंगे, और मेथड का डिफिनेशन हमारा सेम और सही रहेगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं, और हमें ये बात पता है कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्निंग वैल्यू को हम लोग आर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इस आर वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सी आउट न्यू लाइन, और जो भी वैल्यू आर में रिटर्न हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। और यहां हमें ये बात ध्यान रखना है कि सो नाम का जो मेथड है ये मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग को लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 या 1। आप इंटीजर वैल्यू में कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है ये आर में स्टोर होगा, और आर को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये फाइव टाइम्स इंडिया प्रिंट मिल रहा है, और रिटर्न स्टेटमेंट हमारा 1 मिल रहा है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के हेल्प से ये बात समझ में आ गया होगा कि वी कैन डिफाइन अ मेथड इनसाइड द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास, एंड इन विच सिचुएशन वी नीड टू डिफाइन अ मेथड आउटसाइड द क्लास। तो स्टूडेंट आप हमारे वीडियो के हेल्प से अगर मशीन में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।